भाई आपका दोस्त आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक है सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट होता क्या है? नॉर्मल बोलचाल में अगर मैं बोलूँ तो कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि जो जिम जाता है, जिसकी अच्छी बॉडी है, तो वो यही बोलते हैं, अबे सप्लीमेंट लेके बॉडी बनाई है, कोई भी बना लेगा। ये नॉर्मल है, ज्यादातर बोला मैंने भी सुना है अपने लिए, कई लोग बोलते हैं। बट इनफैक्ट उनको भी नहीं पता होता कि सप्लीमेंट होता क्या है, उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या यूज है। जिस किसी ने भी मेरा अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और ये वीडियो मेरा जरूर पूरा देखें क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो बनने वाली है ये आज। और एक लाइक जरूर दबाएं यार, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वायरमेंट है आप लोग की, वीडियो पूरा जरूर देखें गाइस। बेसिकली सप्लीमेंट का काम हमारे बॉडी में सही न्यूट्रिशन पहुंचाने का होता है, जिसकी हमें हमारी बॉडी को बहुत जरूरत होती है। अब सही न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारी बॉडी को कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल, इन सब की प्रॉपर बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। अब इनमें से कार्ब्स और फैट तो यार हम अपने डाइट में से हमें मिल जाता है, हम जो भी नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें नॉर्मली फैट और कार्ब्स ही होता है। अब बात करें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये कहीं ना कहीं हम अपने रूटीन डाइट में इसको हम बैलेंस नहीं कर पाते अपने लिए। और खासकर वेजिटेरियन लोगों के लिए तो यार ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन तो इसकी कमी अपने प्रोटीन डाइट से पूरी कर लेता है, फिश, चिकन, एग्स, इन सब से वो कर लेता है, लेकिन वेजिटेरियन लोग फंसते हैं बेचारे, वो खाते नहीं है ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये चीज कमी रह जाती है उनके डाइट में। तो इसके लिए वेजिटेरियन लोगों के लिए यार मैं बोलूँ सिंथेटिक सोर्सेज जो होते हैं लाइक वे प्रोटीन, उनको अपनी डाइट में ऐड करना ही पड़ेगा अगर वो बॉडी बिल्डिंग या अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। तो वे प्रोटीन या सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट को उनको अपने डाइट के साथ ऐड करना ही पड़ेगा। वेजिटेरियन लोगों के लिए यार कुछ सोर्सेज बता देता हूँ जहाँ से वो प्रोटीन ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है दाल। यार दाल हर घर पे बनता है, आप सबको पता है, और दाल, एक कप दाल में कम से कम 15 से 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा और 8 to 10 ग्राम फाइबर मिल जाएगा, तो ये आप अपने डाइट पे रखें। सेकंड नंबर पे आता है कर्ड, दही। यार दही ना यकीन मानो प्रोटीन और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो दही को आप अपने डाइट पे हमेशा रखें, वेजिटेरियन लोग के लिए स्पेशली है ये। एक कप दही में आपको 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, लो फैट दही जो आता है उसमें आप 10 से 12 ग्राम प्रोटीन वहां से आप इंटेक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है बादाम, आलमंड। बादाम यार उसमें प्रोटीन के साथ साथ आपको फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट एंड सैचुरेटेड मोनोसैचुरेटेड फैट उसमें आपको मिल जाएगा, जो आपको आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और एक मुट्ठी बादाम में कम से कम 6 से 8 ग्राम प्रोटीन आपको वहां से मिल जाएगा, तो बादाम को आप अपने डाइट पे ऐड जरूर करें। फोर्थ नंबर पे आता है ओट्स। गाइस ओट्स बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, एक कप ओट्स में आपको 12 से 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और ओट्स खाने का एक और फायदा है, आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी, आपका पेट भरा भरा सा रहेगा, तो आपको एक वो कमी पूरी करता है, जो एक हमेशा भूख लगने की बात होती है ना वो आपको नहीं लगेगा, और प्रोटीन भी आपको 12 से 13 ग्राम उसमें मिल जाएगा। फिफ्थ नंबर पे आता है गाइस पीनट बटर। यार मेरा तो फेवरेट है पीनट बटर। आपको अगर 100 ग्राम की बात करूँ, 100 ग्राम में आपको 25-26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन इतना नहीं खाना क्योंकि उसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स और कैलोरी भी बहुत रहता है। लेकिन आप एक दिन में 2 से 3 चम्मच आप टेबल स्पून आप ब्रेड या रोटी के साथ आप खा सकते हैं, तो वहां से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। सिक्स नंबर पे आता है गाइस सोयाबीन। यार हमने तो बचपन में खूब खाया, भिगो के रख दिया पानी में, सुबह उठ के खाने का ऐसा सीन था। लेकिन हाँ, सोयाबीन में आपको 100 ग्राम में 20 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाएगा, और मेल्स जो है वो 20-25 ग्राम तक आप कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज्यादा ना ले, क्योंकि उसका एक अलग रीजन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। बट हाँ, 20-25 ग्राम तक आप प्रोटीन सोयाबीन से आप ले सकते हैं। तो गाइस ये तो बात हो गई वेजिटेरियन लोगों के लिए कि उनको प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है, प्रोटीन सोर्सेज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और गाइस वीडियो पूरी देखना, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको आपको बहुत नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से, और बहुत सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं वे प्रोटीन की। वे प्रोटीन को लेके यार जितने भी बिगनर्स हैं, इन वर्कआउट्स करते हैं, उनको बहुत बड़ा डाउट रहता है कि यार ये कहीं स्टेरॉइड तो नहीं है, वे प्रोटीन में कहीं नॉनवेज तो मिक्स नहीं है, तो ये सारी चीजें बकवास है गाइस। तो वे प्रोटीन है गाइस वो एक
प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, उससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये काऊ के मिल्क से बनता है। ए प्रोटीन में वो सारे अमीनो एसिड होते हैं जिसकी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, और वर्कआउट करते वक्त जो भी हमारे मसल्स की जो डैमेज होते हैं उसकी रिकवरी के लिए वे प्रोटीन बहुत अच्छा है, उसको बहुत जल्दी रिकवर करता है। और डेयरी प्रोडक्ट होने के कारण इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बशर्ते अगर वो आपका जो आपने जो भी वे प्रोटीन मंगाया है वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर वो फेक है गाइस तो उसकी गारंटी कोई नहीं लेता। जेन्युइन वे प्रोटीन हमेशा अच्छा रहेगा, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मसल्स बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं। तो मार्केट में यार वे प्रोटीन तीन टाइप के आते हैं। फर्स्ट है वे कॉन्सेंट्रेट, सेकेंड आता है वे आइसोलेट और तीसरा आता है वे हाइड्रोलाइज। तो जो फर्स्ट है वे कॉन्सेंट्रेट यार, वो ना बिल्कुल रो लेवल का प्रोटीन होता है जिसमें प्रोटीन अप टू 70-80% तक उसमें प्रोटीन होता है, साथ में उसमें फैट कार्ब्स और शुगर भी ऐड होता है। तो ये तो है आपका वे कॉन्सेंट्रेट, और इंडियन मार्केट में आज के लिए काफी चल रहा है क्योंकि फर्स्ट ये चीप होता है और चीप प्राइस में आपको प्रोटीन भी 70-80% अगर मिल रहा है तो बेस्ट है। सेकेंड नंबर पे आता है वे आइसोलेट, ये थोड़ा अपग्रेड होता है वे कॉन्सेंट्रेट से। इसको दोबारा प्रोसेस करके, रो प्रोटीन को दोबारा प्रोसेस करके आइसोलेट किया जाता है। इसमें आपको 90-95% तक आपका वे प्रोटीन रहता है, प्योर प्रोटीन रहता है, और शुगर फैट और आपका इसमें कार्ब्स कम होता है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है आपके कॉन्सेंट्रेट से, और बेसिकली जो बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रेप करते हैं वो इसको यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है वे हाइड्रोलाइज। गाइज ये प्रोटीन जो होता है ये आइसोलेट प्रोटीन को दोबारा प्रोसेस करके जो भी बचा कुछ है आपका उसमें फैट आपका कार्ब्स और शुगर जो बचा होता है वो भी इसमें से हटा दिया जाता है। तो ये प्योर 99% to 100% तक ये प्योर प्रोटीन होता है जो कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं इसको। और ये बाकी के जो दो प्रोटीन्स थे वे कॉन्सेंट्रेट और वे आइसोलेट से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर वो मार्केट में 1500 के हैं वे कॉन्सेंट्रेट, तो आइसोलेट 3500 का होगा। तो ये तकरीबन 5500 के अराउंड का मार्केट में वो डिपेंड करता है ब्रांड कौन सा है। तो गाइज ये था आज का टॉपिक मेरा। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सप्लीमेंट्स और वे प्रोटीन का जो बहुत बड़ा डाउट चल रहा है वो क्लियर करो भाई। तो आई होप मैंने वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करी है। और गाइज यार मेरा सब्सक्राइबर्स पता नहीं क्यों रुक गए हैं, तो फटाफट यार आप सब्सक्राइब करो। और आने वाली वीडियो में मैं वेट गेन के बारे में बताऊंगा, जिनका वेट गेन नहीं हो पाता जल्दी से तो वो वेट अपना गेन कैसे कर सकते हैं, अपने डाइट से कर सकते हैं, अपने वर्कआउट उनको कैसे चेंज करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज सब्सक्राइब करना ना भूले, और एक बेल आइकॉन होगी वो जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो लाऊं वो आपके पास पहुंच सके। सो बाय गाइज।